ये क्वेश्चन बोल रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार यानी जो हार गया वह वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,500 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया था और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितने प्रतिशत था? ठीक, तो सबसे पहले मान लेंगे हम लोग कि टोटल 100% वोट पड़ा होगा और जिसने लॉस किया, जो हार गया चुनाव, वो 42% वोट पाया, तो जो विन किया होगा वो कितना पाया होगा? 58%। इन दोनों का कितना डिफरेंस है? 16। इसी 16 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 7,68,400। तो अगर हम ये 16 का वैल्यू इतना दिया हुआ है तो हम टोटल का वैल्यू निकाल सकते हैं 100। 100 का वैल्यू अगर हम इसको निकालेंगे, इसको सॉल्व करके, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? 7,68,400 भागा 16 गुणे 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 4,04,80,25,00। ये तो हमारा हो गया जो मतलब वोट पड़े थे टोटल दोनों को मिला करके, और इसमें से कितने जो थे वो अमान्य हो गए, तो इसको इसमें उठा करके हम लोग ऐड कर देंगे 82,560। ठीक, अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल आएगा 48,85,060। ये हमारा हो गया टोटल वोट जो पड़े थे उन दोनों को भी बटे, और जो अमान्य हो गए ये टोटल वोट थे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 20% लोगों ने अभी भी चुनाव नहीं दिया, मतलब वोट नहीं डाला अपना। अगर ये 20% की हमको नीट पड़ेगी, क्योंकि हमको यहाँ पे निकालना है इस क्वेश्चन, ये निकलेगा तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो अगर 20% लोगों ने भी अगर वोट डाला होता तो टोटल वोट कितने होते? यानी ये 80 का वैल्यू अभी निकला, तो जब हम इसका 100 का वैल्यू निकालेंगे तो 80 का वैल्यू ये है, जैसे यहाँ निकाले वैसे यहाँ 80 का ये है, तो 100 का कितना हो जाएगा? जब हम इसको फाइंड करेंगे तो आएगा 6,106,325। ठीक, अब देखिए ये हमारा टोटल 100% वोट हो गया। ठीक, इसी में से 20% लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो इसका 20% अगर हम फाइंड करेंगे तो इसका जब हम लोग 20% निकालेंगे तो आएगा हमारा फाइनल 12,21,265। यही हम इतने ही लोगों ने वोट नहीं दिया था, और अमान्य कितना हो गया? 82,560। 82,560 भागा 12,21,265 x 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.76, अप्रोक्सीमेट 6.8।